नमस्ते मैं आईसीएआई so, पूरे फुल फॉर्म में है न्यू सिलेबस लॉन्च्ड न्यू मॉड्यूल्स लॉन्च्ड ऑब्वियसली नया कंटेंट कुछ अपने को देखने को मिलेगा एट द सेम टाइम रिजल्ट्स का डेट अनाउंस कर दिया है रिजल्ट्स आर एटलीस्ट टेन डेज बिफोर द शेड्यूल टाइम सो ऑल इन ऑल इट्स इट्स ऑल अ गुड थिंग that ICAI is doing. So, अब मैं आप लोगों के साथ quickly discuss करने वाला हूँ within 10 minutes that what are the major changes and मैं कैसे कर पाऊँगा ये फटाफट आप लोगों के साथ discuss. Uh, well, let me tell you because मेरे पास है कुछ PDFs जो मैंने बनाए हैं. so that it becomes very easy for you to understand that what have been the changes so chalo sir ye pdf hum kahan se download kar payenge from my telegram channel आप ये पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर पाओगे मैं डिस्कस करने वाला हूं ए एफ एम चेंज फ्रॉम एस एफ एम टू एफ एम सो वो पूरा का पूरा यू कैन से मॉड्यूल का पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन टू क्वेश्चन थ्योरी टू थ्योरी चेंज मैं आपके साथ यहां पे डिस्कस करूंगा एस सी एम पी टू एस सी एम एस पी एम वो भी पूरा यहां पे डिस्कस होगा एंड दैट पीडीएफ विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन केस आप एग्जाम देने वाले हैं इन द न्यू सिलेबस

अनफॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ने अभी तक जो uh, दिया है उसमें दे एव मोर फोकस्ड ऑन द थ्योरी एस्पेक्ट बट आई एम श्योर इंस्टीट्यूट विल कम अपन द अपकमिंग एडिशन वो इसके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी लेकर जाएगा एंड इट विल बी इवन मोर इंटरेस्टिंग बट एज ऑफ नाउ नॉट रियल प्रैक्टिकल थिंग सीन अदर देन कैपिटल बजे जो उन्होंने पूरा नहीं एज इट इज उठा के uh, डाल दिया यहाँ पे इसके अलावा उन्होंने मॉड्यूल में कुछ नए क्वेश्चन एज सच नहीं इंट्रोड्यूस किए फ्रैंकली स्पीकिंग फिर बाकी सब चैप्टर्स में कुछ 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 थोड़ा बहुत है सिक्योरिटी वैल्यूएशन है म्यूचुअल फंड्स में नथिंग चेंज देन यू हैव बिजनेस वैल्यूएशन अब यहाँ पे लग रहा था कुछ नई चीजें आएंगी बट अगेन valuation of digital platforms, distressed companies valuation theory पे focus क्या है इंस्टीट्यूट ने नए sums अब तक इंस्टीट्यूट से नहीं बने but I'm sure they are in process and they will be out soon definitely जैसे ही वो बन जाते हैं we will keep you updated but uske alawa agar say we have some international books as जहाँ से इंस्टीट्यूट pick up karta hai to wahan se if possible I will try to give you all of these questions pre-hand even before ICAI most important change jo ईसीए ने लाया है एंड इज एमसी क्यूज जी हा एफ एम में या एस एफ एम में जो हुआ करता था इसमें देर नेवर यूज टू बी एमसी क्यूज बट अब थर्टी परसेंट एमसी क्यूज है तो क्या यह डिफिकल्ट होगा द आंसर इज नो एंड ऑफ द डे एक ही चीज काम आने वाली है वो है कॉन्सेप्टो so, आपको कॉन्सेप्ट इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा थियोरी भी इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा बिकॉज देर कुड बी केलेटेड एमसी क्यूज एंड एट द सेम टाइम कुछ थियोरी रिलेटेड एमसीक्यूज भी आ सकते हैं सो बेसिकली एमसीक्यूज का फायदा यह होता है स्टूडेंट कवर्स द होल सब्जेक्ट मतलब एमसीक्यू का केस इनारियो तो कहीं से भी पुटअप कर सकते हैं तो होगा क्या बेसिकली जो क्वेश्चन पहले आते थे वही क्वेश्चन आएंगे एंड देर इज चांसेस दैट उससे कुछ वो लोग केस से एक क्वेश्चन बना के यू दे विल पुटअप सो आपको खाली सोल्विंग रफ में करना है तो उससे आपका काम फास्ट हो जाएगा

Institute अपने को पता है एक सिमिलर ऑप्शंस देगा उसमें कुछ गलत हो गया देन यू लूज आउट फुल मार्क्स और यू गेन फुल मार्क्स अभी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मतलब फायदा भी है कि पूरा मार्क्स मिलेगा बट नुकसान भी है कि एटलीस्ट पहले स्टेप वाइज मार्किंग तो मिलता था अब तुम्हारा स्टेप्स कोई नहीं देखने वाला है डायरेक्टली आंसर के ऊपर पे आपको मार्क्स मिलेगा सो so, that's how it is. So अपने को practice बहुत strong रखना पड़ेगा concepts के ऊपर hold बहुत strong रखना पड़ेगा and I'm sure this then becomes a blessing for us. बाकी ये आप लोग भी एकदम analyze कर सकते हो self-explanatory. अगर आप लोग note करोगे तो मैंने यहाँ पे दिखाया देखो old syllabus में क्या था और अब new syllabus में क्या आया है तो old syllabus में chapter one में theory जो भी था same to same यहाँ पे है चैप्टर थ्री टोटली न्यू चैप्टर जैसा आप देख सकते हो बाकी ऑलमोस्ट सिमिलर है uh, जहां पे चेंजेस ऐसे फॉर एग्जाम्पल म्यूचुअल फंड में एक क्वेश्चन उन्होंने खाली न्यू डाला है तो वो मैंने इधर डाल दिया है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन खाली उन्होंने न्यू डाला है वो मैंने पेज नंबर के साथ यहाँ पे आप लोगों को दे दिया है सो यू कैन दैट एज वेल बाकी ऑल इन ऑल मेजरली इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर थियोरी में थोड़ा बहुत एडिशन है विच विल बी शेयर टू यू ऑन यू इन यू कोर्स एंड अगर आपने पूरा का पूरा कोर्स बाकी है इन केस डेफिनेटली जो नया मॉड्यूल है वहां से ही आपको पढ़ाया जाएगा एंड दैट विल बी देयर तो सर नया आपका बैच कब स्टार्ट हो रहा है सो द न्यू बैच फॉर ए एफ एम एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ जुलाई सेवन ए एम टू टेन ए एम यहां पर इनिशियली देयर विल बी वेरी फ्यू लेक्चर्स फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट से तब तक पूरा बुक्स बुक्स और शीट्स और सब रेडी हो जाएगा तो उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट से अपन उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे सो so, जुलाई से स्टार्ट होगा थोड़े बहुत दो तीन सेशन में प्रोबेबली ले लूंगा जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ऑफ द होल सब्जेक्ट कैसे ग्लोबल सीनारियो से इंटीग्रेट हो रहा है अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑल ऑफ दर्स्ट वीक ऑफ ऑगस्ट के बाद गेट एकटली इट इज अरेग्यूलर बैच ठीक है फीस एंड ऑल डिटेल्स आपको हमारे वेबसाइट में मिल जाएगा एंड कोर्स कंप्लीशन विल बी ऑक्टोबर थर्टी फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दिस इज गोइंग टू बी अस अच इट इज गोइंग टू बी अव बैच क्वेरी सोल्विंग डाउट सॉल्विंग अभी मेरे ऑलरेडी uh, दो बैचेस चालू है एक मॉर्निंग uh, में एस एफ एम का ओल्ड सिलेबस का एंड इवनिंग में एस सी एम पी का ओल्ड सिलेबस का एंड वी आर हैविंग द बेस्ट टाइम बिकॉज लाइव बैच है तो कम्युनिकेशन होता है डाउट सॉल्व हो जाते हैं रिविजन हो जाता है

एक सरप्राइज एलिमेंट के ऊपर सब्जेक्ट ये ये में सेल्फ ऑनलाइन मॉड्यूल सो किसी को भी यही लगेगा ना कि ठीक है ये तो आराम से हो जाएगा और मुझे भी लगा था अभी मतलब इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछेगा एमसीक्यू है ना तो व्हाट इज जे आई टी जस्ट इन टाइम जस्ट इन ट्रेवल ऐसा सब बट ऐसा नहीं है बॉस यहाँ पे इंस्टीट्यूट ने जो मॉड्यूल बनाया है मतलब मुझे लगा था मैं एएफएम के मॉड्यूल को देख के बोलूंगा बट उस मॉड्यूल में कोई चेंज नहीं किया उन्होंने सो ट्रस्ट मी एएफएम का मॉड्यूल जिसने भी बनाया इट इज जस्ट अ कॉपी पेस्ट विद चेंज ऑफ कलर बस और कुछ नहीं है बट एस सी एम पी के मॉड्यूल के ऊपर बहुत एक्सट्रीम लेवल का मेहनत किया है एंड तब जाके ये मॉड्यूल बनाए जो भी अनवांटेड चीजें थी दे हैव रिमूव्ड इट जो भी नया आज की तारीख में सीआईए में ए ए के कोर्सेज में चल रहा है वो सारी चीज उन्होंने यहाँ पे एस सी एम पी एस पी एम में एड कर दिया है सो so, सर क्या क्लासेस की जरूरत लगेगी दैट टाइम विल टेल मतलब अभी आ, मैं खुद भी कंटेंट के ऊपर काम चल रहा है मेरा एमसीक्यूज में देख रहा हूं कि कैसे इंस्टीट्यूट फ्रेम करने वाले हैं एम श्योर sure कुछ मॉक एमसीक्यूज आएंगे इससे रिलेटेड फिर अपने को पता चलेगा कि क्या लेवल पे चीजें जा रही है अगर मैं खाली प्राइमा कंटेंट देखता हूं हाई लेवल कंटेंट फॉर श्योर मतलब मैं फर्स्ट चैप्टर देखूं, तो इंट्रोडक्शन टू एस था ओल्ड सिलेबस में दस कम से कम दस बार मैं पढ़ा चुका हूं मैंने इंट्रोडक्शन टू एस सी वाला जो नया सिलेबस है ओपन किया मैं बोला चलो एमसीक्यू सीधा सॉल्व करते हैं

Wise, sums wise, you need या खाली से हो जाएगा वो मैं आप लोग अपडेट देता रहूंगा डोट वारी एग्जाम के बाद देना है तो उसको टेंशन नहीं है बट नवंबर ट्वेंटी फोर वालों प्लीज तुम लोग को विदिन वन टू टू मंथॉर्म कर दूंगा wow, ये सेम सब्जेक्ट का इंपैक्ट आने वाला है अपने इंटीग्रेटेड बिजनेस मैनेजमेंट केस स्टडी वाला जो ओपन बुक एग्जाम है पेपर नंबर सिक्स ऑफ सी ए फाइनल सो डेफिनेटली आई एम श्योर इसके लिए इंस्टीट्यूट ने इसके ऊपर इतना मेहनत किया है बिकॉज दैट इज गोइंग टू काउंट इन योर मेन एग्जाम मार्क्स सो अब ये सब्जेक्ट एक तो पहले अपने को क्लियर करना है सो दैट वी आर एबल टू गिव द मेन एग्जाम दूसरा मेन एग्जाम में पेपर सिक्स में अपने को ये आने वाला है सो वी हैव टू बी वेरी मच गियर्ड अप एंड उसको सही तरीके से मैनेज करना है बट अगेन उधर भी कितने मार्क्स का आएगा अप्रोक्सिमेटी ट्वेंटी ट्वेंटी जो पेपर सिक्स है बट हाउ इट इज गोइंग टू बी अप्रोच दैट टाइम विल टेल क्योंकि उसका अभी तक मॉड्यूल नहीं है सो वी डोंट नो बट आया पहले एक मल्टी डिसिप्लिनरी बिजनेस के स्टडी करके एक पेपर हुआ करता था इलेक्टिव में सो so लेट्स वहां से इंस्टीट्यूट अगर चीजें पिकअप करता है या कुछ नई चीजें डालता है आई विल कीप यू इनफॉर्म स्टे सब्सक्राइब एक एक चीज आप लोग के साथ में डिस्कस करते रहूंगा एंड आप लोग को गाइड करते रहूंगा ओके लीन सिस्टम एंड इनोवेशन सिमिलर है बट काफी सारी नई चीजें एड हुई है बहुत सबसे बड़ा गेम चेंजर है यहाँ पे ये ये देखो ये जो स्पेसिफिक रेवेन्यू मैनेजमेंट है इसमें दो चैप्टर्स ऐड कर दिया डिसीजन मेकिंग एंड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी नए कॉन्सेप्ट ऐड किए हैं ये देखो यहाँ पे परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन जो हुआ करता था ना उसमें इन्होंने नया चैप्टर डाला इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट टोटली न्यू चैप्टर बस टोटली न्यू चैप्टर है ये अगेन वेरी नाइस करेंगे मजा आएगा यहां पर कुछ नए कॉन्सेप्ट है ये टोटली न्यू चैप्टर है यह जो नए कॉन्सेप्ट कर दिया है दिस इज मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर इमर्जिंग बिजनेस मॉडल अगेन अ न्यू चैप्टर है इसमें भी अपने को मजा आने वाला है करने में सो ऑल इन ऑल इट इज गोइंग टू बी इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी चैलेंजिंग थिंग तो बस चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए अपन रेडी है अगर आपका नवंबर 23 अटेम्प्ट है प्लीज फटाफट क्लियर कर नवेंबर ट्वेंटी ग्रुप वन ग्रुप टू क्लियर करो ये नए सिलेबस के झंझट में मटाओ पता नहीं है क्या होने वाला है मतलब इजी 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 लग रहा था मुझे भी इन द सेंस के भाई चलो सेल्फ मॉड्यूल तो निकल जाएगा आराम से बट ऐसा लग नहीं रहा है इंस्टीट्यूट के इंटेंशन से कि कुछ भी चीज आराम से होने वाली है एफर्ट उतना ही लगने वाला है आपका भी और हमारा भी तो इसका सर क्लासेस का क्या सीन रहेगा वी विल हैव टू वेट एंड अभी मैंने डिस्कस नहीं किया मतलब तो अभी मैंने खुद से इंटरनली नहीं सोचा एम वेटिंग थोड़ा सा और इंस्टीट्यूट की तरफ से कुछ मटेरियल आए एमसीक्यूज आए या और क्लैरिटी आए फिर इसके ऊपर डिसीजन लेके आई विल लेट यू नो ठीक है सो so, एक मुझे अभी तक लग रहा था कि रिविजन लेक्चर से हो जाएगा कब लेट सी शायद हो भी जाए विल विल वॉच बाकी आप लोग के कुछ कमेंट्स है आप लोग को कुछ और पूछना है डू लेट मी नो यस

ठीक कैर यस डेफिनेटली नो डाउट ऑप्टिमाइज एंड मैजिक तो होने ही वाला है समझ गया ना बाय बाय टेक केयर थैंक यू